बात है मेरी थर्ड ईयर की। मेरा थर्ड ईयर कंप्लीट हो चुका था, मैं दिल्ली गया टीसीएस का एग्जाम देने। एग्जाम के बाहर 2000 से ज्यादा बच्चे खड़े थे, एक शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। जब मैंने एग्जाम हॉल के अंदर गया तो वहाँ एग्जाम के अंदर एप्टीट्यूड और कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया, और कोडिंग क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, प्राइम नंबर का। और आप ये सोच नहीं सकते मुझसे वो क्वेश्चन बना ही नहीं, और वो मेरी जिंदगी का पहला सेटबैक था। इवन दो मुझसे वो क्वेश्चन नहीं बना, फिर भी मैं क्वालिफाई कर गया इंटरव्यू के लिए। और मेरे अंदर इतना बड़ा फियर था कि मैं इंटरव्यू देने ही नहीं गया, मैंने खुद को सेल्फ रिजेक्ट कर दिया। तो जानते हैं मैंने अपनी जर्नी में ऐसा क्या किया कि मुझे 2 करोड़ का पैकेज मिला, और मैंने डीएसए किस तरीके से सीखा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित नेगी, और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ हाउ आई मास्टर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो उस टाइम पे मैं गेट की तैयारी कर रहा था, तो मैंने सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम उस टाइम पे पढ़े। हाँ, अपने सिलेबस सब कोर्स के टाइम में पढ़े थे, लेकिन वो सिर्फ पासिंग मार्क्स पे पढ़े थे। लेकिन जब मैंने गेट की तैयारी करी, तब मैंने उसे सीरियसली लिया और मैंने वहां से अपना डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम पूरा क्लियर किया। इनिशियली क्या होता था कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। जो कॉन्सेप्ट होते हैं अगर आप करते हैं, तो पॉइंटर वाले कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। रिकर्सन इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टॉपिक इन माय ओपिनियन, जो मुझे लगता है कि उसमें हम फंस ही जाते हैं। अगर आपका रिकर्सन क्लियर है तो आप लोग इजीली ग्राफ और डीपी में अच्छे हो जाएंगे। तो आप ये मान के चलो कि पहला 1-1.5 महीना आपके लिए मुश्किलों भरा होने वाला है, और मेरे लिए भी वो सेम सीन था। तो मैंने 1.5 से 2 महीने में पूरा डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम कंप्लीट कर दिया था। हाँ, मैंने कोड नहीं लिखा था, मैं सिर्फ नोट्स बनाता था, पढ़ता था और लॉजिक समझता था। और डीएसए पढ़ने से पहले मुझे सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती थी, वो थी C++, और उसमें भी मुझे सिर्फ बेसिक लेवल का पता था कि फॉर लूप कैसे काम करता है, व्हाइल लूप कैसे काम करता है, 1-2 फंक्शन कॉल कैसे काम करते हैं, और उससे ज़्यादा मुझे किसी भी लैंग्वेज में नहीं आता था। तो इतना ही रिक्वायर्ड है कि आप डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम शुरू कर सकते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम मैं गेट के टाइम में पढ़ चुका था। फिर एमटेक में मैंने एडमिशन लिया, तो यहाँ आके मुझे फिर से कोडिंग सबसे पहले शुरू करनी थी। मुझे याद था कि मैं पहले टीसीएस एग्जाम में मुझे कभी कोड किया नहीं था, और मैं वहां पे बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुआ था। तो अब मुझे अच्छे से कोडिंग करनी थी, तो मैंने सबसे पहले लैंग्वेज को पकड़ा। आप भी C++ और जावा में से किसी भी लैंग्वेज में कोड लिख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं बाकी लैंग्वेज क्यों आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, पाइथन जावास्क्रिप्ट। जनरली जो लोग पाइथन और जावास्क्रिप्ट पे कोड करते हैं, उनको C++ और जावा में से एक बेसिक लैंग्वेज पक्का आती है, तभी वो उस लैंग्वेज पे स्विच करते हैं। आप डायरेक्टली किसी पाइथन और जावास्क्रिप्ट में स्विच ना करें, आपको दिक्कतें होंगी। जो डेटा स्ट्रक्चर होंगे, कि आपको अगर कोई पूछ दे कि हीप कैसे काम करता है, सॉर्टिंग कैसे काम करती है, तो आप तो डायरेक्ट लाइब्रेरीज यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको C++ और जावा में से एक लैंग्वेज चुने। तो अगर आपको C++ बेसिक आती है तो आप डीएसए बिल्कुल स्टार्ट करो। ये नहीं कि आप पहले आप ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, फिर आप जाके डीएसए शुरू कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो पता है डीएसए शुरू करा, तो अब बात थी कि मुझे STL सीखनी थी। STL मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। तो ये लाइब्रेरी फाइल होती है जिसमें मैं स्टैक क्यू का पूरा कोड ना लिखते हुए सीधा स्टार्ट कर सकता हूँ, सिर्फ एक लाइन का कोड लिखते हुए। तो इसलिए STL जरूरी है। तो जब मैंने अपनी कोडिंग जर्नी की स्टार्ट करा, तो मैंने गीक्स फॉर गीक्स से स्टार्ट किया था। उस टाइम में भी बहुत कन्फ्यूजन था कि कौन से प्लेटफॉर्म से शुरू करें। कोई कहता था गीक्स फॉर गीक्स, कोई कहता था इंटरव्यूएट, कोई कहता था लीड कोड, तो कोई कहता था यार अगर आपको प्लेसमेंट उठाना है तो आपको सीपी मस्ट है, तो कोर्स ऐप और कोर्स रिसोर्सेज पे कोड लिखें। तो उस टाइम पे बहुत कंफ्यूजन था, लेकिन मेरा लेवल बिल्कुल 0 था, तो मुझे पता था कि मुझे गीक्स फॉर गीक्स की ओर जाना है, जहां से मैं अपने पहले बेसिक पूरे क्लियर करूंगा, उसके बाद मैं कोडिंग का लेवल अपना बढ़ाऊंगा। जनरली जो मोस्ट स्टूडेंट गलतियां करते हैं, वो सीधा जाके कोर्स फोर्सेस और कोर्स ऐप में जंप करते हैं, और वहां पे उनसे क्वेश्चन नहीं बनते, और फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि ये सोच के कि उनके लिए कोडिंग बनी ही नहीं है। मैं भी उन्हीं बच्चों में से था जिन्हें लगता था कि कोडिंग मेरे लिए नहीं है, लेकिन आज वो चीज़ें पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। तो मैंने GFG से शुरू करा, तो सबसे पहले मैंने बेसिक टॉपिक उठाने शुरू करे, एरे, स्ट्रिंग्स, फिर स्टैक, फिर क्यू। इस तरीके से मैं अपना लेवल बढ़ाता गया। तो एक बार जब मैंने डेटा स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ा, ट्रीज वगैरह में थोड़ा दिक्कतें आई, रिकर्सन में भी आई दिक्कतें, फिर जब मैं सॉर्टिंग वगैरह करता था तो अलग अलग सॉर्टिंग एल्गोरिथम रहते थे। तो हमको क्या करना है, जब भी हम कुछ चीज सीखते हैं इनिशियली, तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्शन आने वाले हैं। आप ये मान के चलें इनिशियली कोई भी एल्गोरिथम समझ नहीं आती है, तो जब भी आप क्वेश्चन करें तो डायरेक्टली सॉल्यूशन पे पहले जंप ना करें, पहले देखें कि आपसे वो क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा है। 30 से 45 मिनट दें, तो मैं वही करता था पहले, 30 से 45 मिनट, कभी कभी 1 घंटा खुद उस एल्गोरिथम उस क्वेश्चन को देता था, ताकि मुझसे वो बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है।
जब नहीं बन पाया तो मैं सॉल्यूशन देख लेता था या फिर यूट्यूब से सॉल्यूशन देख लेता था, और वो मुझे हेल्प करता था कि मैं अपनी थिंकिंग को बढ़ा सकूं लॉजिकली। और एक चीज और ध्यान रखें, अगर आपसे क्वेश्चन बन भी जाता है तो आपको फिर भी सॉल्यूशन देखने हैं डिफरेंट अप्रोच के, तो वो मैं करता था अपनी जर्नी के दौरान भी। भले मुझसे क्वेश्चन बन भी गया तो मैं सॉल्यूशन देखता था, तो कई बार मुझे ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन मिल जाते थे जिनके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मुझसे मेरे सॉल्यूशन से कम होती थी। तो कुछ टॉपिक ग्राफ और डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो 70% कंपनीज में पूछे जाते हैं, जो भी आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए जब भी अप्लाई करेंगे तो इन दो टॉपिक से आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्राफ में आपको पता होना चाहिए BFS कैसे काम करता है, DFS कैसे काम करता है, डिस्कस्टा एल्गोरिथम, प्रिम्स, क्रूस्कल्स, तो ये एल्गोरिथम जो बेसिक एल्गोरिथम है वो आप सब पढ़ लें। इन एल्गोरिथम को आप इजीली गीक्स फॉर गीक्स या फिर लीड कोड कहीं से भी सर्च करके देख सकते हैं कि बेसिक एल्गोरिथम कौन से हैं। तो मैंने गीक्स फॉर गीक्स में अपने 600 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, मेरा बेस टोटली स्ट्रांग हो चुका था। अब मुझे टाइम था कि मुझे अपना लेवल बढ़ाना था, तो मैं लेवल बढ़ाने के लिए गया इंटरव्यू बिट पे, तो मैंने क्वेश्चन लगाने शुरू किए। तो जब इंटरव्यू बिट पे गया तो इंटरव्यू बिट का लेवल काफी हाई है जो मैंने देखा है। तो इनिशियली फिर इंटरव्यू पे मेरे क्वेश्चन अटकते थे, लेकिन उस लेवल पे नहीं अटकते थे जो पहले गीक्स फॉर गीक्स पे अटकते थे। गीक्स फॉर गीक्स पे मेरे कंपाइल एरर, सेगमेंटेशन फॉल्ट, तो इस टाइप के एरर आते थे यार। इनिशियली इंसान डिमोटिवेट भी हो जाता है कि जब उससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आपको बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है कि अगर आपसे क्वेश्चन बन रहे नहीं बन रहे, आपको बस करते जाना है, हार नहीं माननी। फिर मैंने पूरा इंटरव्यू बिट सॉल्व किया, इस तरह से मैं 300+ क्वेश्चन मैं इंटरव्यू बिट पे भी सॉल्व कर चुका था। और अब तक मैं सबसे बड़ी गलती गीक्स फॉर गीक्स कंप्लीट करके भी मैं सबसे ज्यादा गलती अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग में कर रहा था। मैं हमेशा क्वेश्चन को बॉटम अप अप्रोच मतलब इटरेटिव मॉडल से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता था, और जिससे मुझे आंसर तो समझ आता था लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते थे। तो मैं आज आप सबको बताना चाहूंगा, जब भी आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन करें तो टॉप डाउन अप्रोच मतलब रिकर्सन के साथ उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर उसमें मेमोरीज वगैरह ऐड करें ताकि आपका सॉल्यूशन अच्छा बने। उससे आपको फायदा ये होगा कि आपको याद रहेगा कि क्वेश्चन एक्चुअली काम कैसे कर रहा है, फिर आप उसे ऑप्टिमाइज करके बॉटम अप में ला सकते हैं। तो यही मैं करता था। एक बार मैंने जब ये दोनों प्लेटफॉर्म कंप्लीट किए, फिर मैंने लीड कोड में डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन लगाए। इस बार मैंने टॉप डाउन अप्रोच से क्वेश्चंस करे, तो इस तरीके से मैंने 100 से 150 क्वेश्चन मैंने DP के ऊपर, लीड कोड के ऊपर सॉल्व करे, और इससे मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे बनते गए। अब ये था कि अब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने लग गया था, जो इंटर IIT डॉक होती है हमारी उसमें क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैंने अब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर इन सभी कंपनी से क्वेश्चंस लगाना शुरू करे, और इससे मेरे कॉन्सेप्ट और क्लियर होते गए। तो इस तरीके से मैंने पूरा DSA पढ़ा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करें, आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाएं। सीधा हाई लेवल के क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना शुरू मत करें, बेसिक लेवल से शुरू करना। अब बाकी जो भी स्ट्रेटेजी है आप खुद पे बिलीव रखो और आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अब अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूं कि मैंने क्या क्या रिसोर्सेज यूज करी, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के लिए मैं रविंद्र बाबू रघुला सर का कोर्स पढ़ा था जो कि गेट में कवर हो गया था। लैंग्वेज के लिए मैंने C++ के लिए मैंने सौरभ शुक्ला सर के लेक्चर फॉलो किए थे। STL मैंने CPP+ करके यूट्यूब चैनल है वहां से किया, और डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए मैंने आदित्य वर्मा सर को फॉलो किया। इन सबको मिला के मेरे कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो गए। मैं अभी भी नहीं कहता कि मैं सारे क्वेश्चन अभी भी सॉल्व कर सकता हूँ, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन आपको अपने एफर्ट देते जाने हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, चाहे आपसे बने ना बने, बस हार नहीं माननी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप 3 महीने में बेस्ट कोडर नहीं बनने वाले हो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरीके से कि आप 3 महीने में किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए तैयार हो जाए। मिनिमम टाइम आप 6 महीने लेके चले कि आपको इतना टाइम लगेगा ही लगेगा एक अच्छी कंपनी अगर आपको निकालनी है। और लास्ट में ये भी बोलना चाहूंगा, आप CP तभी करें अगर आपको इंटरेस्ट है। अगर आप सिर्फ प्लेसमेंट आपका टारगेट है तो CP करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल DSA करके, इंटरव्यू विद लीड कोड और GFG करके भी किसी भी कंपनी का इंटरव्यू आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा खुला रहता है, जाओ अपने डाउट पूछो और मैं आपके आंसर हमेशा देता ही हूँ। सो गुड लक फॉर योर न्यू जर्नी।